नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं Hyundai i10 Nios का एस्टा वेरिएंट। इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये मैनुअल है। AMT का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा और इसकी आपको प्राइस ऑलमोस्ट गुवाहाटी में पड़ जाती है 8.8 लाख। ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ। और ये इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलता, सिर्फ आपको नीचे वैसे ट्रायरो पैटर्न में LED DRLs मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो भी है और फॉलो मी होम फंक्शन वो भी मिल जाता है। थ्रो वो सब इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट। Hyundai की लाइट्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे आपको हेलोजन ही मिलता है, वाइट LEDs हो सकता था बट ठीक है। ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है ग्रिल में। Hyundai का आपको सिल्वर में लोगो मिल जाएगा। और इंजन की बात करें तो वही सेम आपको इंजन मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इंजन में। सो यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है और वही 1.2 लीटर का आपको कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन है, 86 BHP और 113 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। ओवरऑल रिफाइनमेंट कहे वो सब अच्छा है। आप स्विफ्ट से थोड़ा बहुत इसका परफॉर्मेंस कम ही लगेगा आपको, बट वैसे ही इसका ट्यूनिंग थोड़ा बहुत है और माइलेज भी थोड़ी कम है स्विफ्ट से। अंडर बॉडी कवरिंग आपको नहीं मिलता, विच इज़ ओके। हुड भी आपको डिसेंटली हैवी मिल जाएगा। साइड की बात करें सो साइड से आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक। पहले टायर्स देख लेते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इनकी प्रोफाइल है 175/60 R15। पीछे ड्रम्स है और फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस वो सब भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे क्रोम के आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, चारों डोर हैंडल्स। और ड्राइवर साइड ही आपको सिर्फ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा एज इन द Hyundai फैशन। और ORVSP इंडिकेटर उन सब का कंट्रोल है। कोई भी पर डल्स वो सब कुछ तो आता नहीं है, बट ग्लास एरिया अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा मैट ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है, ऊपर शार्क फिन एंटीना वो भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल साइड से अच्छी लगती है काफ़ी। सो आप पीछे चलते हैं। यह इसका ओवरऑल पीछे का लुक। यहाँ पे LED टेल लाइट्स आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं। ये वाला जलता नहीं है, रिफ्लेक्टर बेस्ड ही आप समझ सकते हैं। रात को लाइट पड़ेगी किसी कार का तो तब जलेगी। ये सब आपको हेलोजन ही मिलता है सारा चीज़। ग्रैंड 910 Nios कौन सा वेरिएंट है वो। उसके बाद यहाँ पे कैमरा का प्लेसमेंट मिल जाता है, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ आपको दो ही रिवर्स पार्किंग यहाँ पे सेंसर्स मिलते हैं, विच इज़ अ कॉस्ट कटिंग। नीचे थोड़ा बहुत ऐसे डिफ्यूजर ट्रीटमेंट, रिफ्लेक्टर्स भी है। और ये इसको ओवरऑल अंडर बॉडी, यहाँ पे टोइंग हुक वो सब मिल जाता है और डिसेंट आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाएगी। हुड की बात करें तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक टेलगेट ओपनर मिल जाता है और अच्छे से प्लास्टिक से कवर्ड है। यहाँ पे हाथ डाल के आप बूट खोल सकते हैं और बूट स्पेस भी अच्छा खासा है। मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दूंगा कितना बूट स्पेस एग्जैक्ट है। यहाँ पे लाइट है, हुक, यहाँ पे और कुछ नहीं है, टूल बॉक्स वो मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की बात करें सो इसकी प्रोफाइल है 165/70 R14, एक साइज स्मॉलर भी है। सो वो सब ठीक है। और सिंगल पीस में ये सीट फोल्ड होती है। 60/40 होता तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता, बट वो यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको। तो ये इसको ओवरऑल पीछे का डोर का लुक। ऐसा डुअल टोन आपको थोड़ा लाइट ग्रे और बेज का आपको यहाँ पे कलर मिल जाता है। सिल्वर डोर हैंडल से आप यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल पूरी नीचे चली जाती है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, पूरी नीचे चली जाती है, विच इज़ वेरी गुड। इस कार में आपको सिर्फ 4 स्पीकर से मिलते हैं। ट्विटर्स होना चाहिए था बट वो नहीं मिल रहा। और यहाँ पे बॉटल होल्डर्स वो भी है। रियर सीट की बात करें, यहाँ पे पार्शियल फैब्रिक, पार्शियल लेदर है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं लेदर का है। ये वाला आपको डेनिम फिनिश के साथ फैब्रिक मिल जाएगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स वो भी है। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको बीच के पैसेंजर्स के लिए भी मिलता है। और बीच के पैसेंजर्स के लिए भी अब एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ चुका है i10 Nios में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो सेफ्टी में बहुत पॉइंट्स बढ़ जाएंगे ग्लोबल एनकैप में और कम्फर्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे यहाँ पे भी लेदर राइट है और अच्छा लगा मुझे। मतलब एंट्री सेगमेंट की कार है Hyundai की, बट वहाँ पे भी अब तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए Hyundai की ओर से, विच इज़ गुड। गाड़ी में चढ़ना उतरना भी ज़्यादा टफ नहीं है। और लेग रूम की बात करें, लेग रूम मुझे अच्छा खासा मिल जाएगा। मैगजीन होल्डर सिर्फ को ड्राइवर साइड में ही है। यहाँ पे AC वेंट्स, एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक अगर USB होता तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता, बट ठीक है। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट दो एडल्ट एक बच्चा ही कंफर्टेबली बैठ सकता है। यहाँ पे हेलोजन लाइट्स, यहाँ पे ऐसे ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, डैम भी है। और सीट बेल्ट को आप हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। 6 एयरबैग्स आपको इस कार में मिल जाते हैं, बट एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट के जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड ही मिलते हैं अभी भी। क्यों यार Hyundai, ये करना चाहिए था एक्चुअली। बट अच्छी पैर मूव करने के लिए जगह, अंदर थाई सपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट में कह सकता हूँ, क्योंकि इसका सीट का बेस ना बहुत बड़ा है तो उसकी वजह से अच्छी अंडर थाई सपोर्ट है। और हेडरूम भी मुझे अच्छा खासा ही मिल जाएगा। सो ओवरऑल का पीछे का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। अब फ्रंट में चलते हैं। ये ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक। यहाँ पे भी वैसा ही डुअल टोन आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स है। और यहाँ पे पावर विंडोज के सारे कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाला आपको ऑटो डाउन मिल जाता है, बट ऑटो अप नहीं है, विच इज़ ओके। और मिरर्स को आप इंटरनली फोल्ड एडजस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। बॉटल रखने के लिए स्पेस है। स्पीकर का प्लेसमेंट, यहाँ से फ्यूल लिड इसका खोल सकते हैं, 37 लीटर का फ्यूल टैंक है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे इसका हुड खोल पाएंगे। यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स,
ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलाइट लेवल करना, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन यहीं पे है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको फुटवेल लाइटिंग भी मिलती है। बेस वेरिएंट एरा से आपको अब फुटवेल लाइटिंग अक्रॉस स्टैंडर्ड मिल जाएगा ये। सो एम्बिएंट लाइटिंग की ज़रूरत ज़्यादा आपको नहीं लगेगी, विच इज़ गुड। वहाँ पे डेड पेडल भी है और सीट्स आपको हाइट एडजस्ट भी हो जाते हैं सीट्स, और ओवरऑल दे आर डिसेंटली कम्फर्टेबल। स्विफ्ट का मुझे और थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है क्योंकि वहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आ जाता है, उसके बोलस्टिंग्स भी थोड़े ज़्यादा इससे अच्छे हैं, बट ये भी अच्छी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत लेदराइट, यहाँ पे फैब्रिक। सो ये इसका ओवरऑल इंटीरियर का लुक, प्लास्टिक क्वालिटी वो सब तो बहुत अच्छी है हुंडई की, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सिल्वर ट्रीटमेंट, नीचे भी आपको डुअल टोन ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा फोन वोन रखने के लिए जगह, और गिरेगी नहीं क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा उठा हुआ है, सो अच्छे से फोन वोन रख पाएंगे। ग्लव बॉक्स में भी अच्छी स्पेस है, कूलिंग भी मिल जाती है। इस इवेंट्स ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे यही बॉडी कलर्ड यहाँ पे कंटिन्यू किया गया। ऑटोमेटिक आपको एयर कंडीशनिंग मिल जाती है, विच इज़ गुड। सारे कंट्रोल्स, रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर ऑफ करना, ऑटो पे छोड़ दिया आपका काम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, चार्जिंग के बहुत ऑप्शंस देती है हुंडई। यहाँ पे टाइप सी, टाइप ए, यहाँ पे इसे आप 12 वोल्ट के लिए मतलब यूएसबी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे निकाल देते हैं तो 12 वोल्ट का यूजेज कर पाएंगे। बट निकाल देने से आपका वायरलेस चार्जर काम करना बंद कर देगा क्योंकि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी आती है। सो वो इस सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं ऐसे हैचबैक्स के लिए। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, रात में भी ज़्यादा ग्रेन्स के इश्यूज़ नहीं है, और काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग आपको गियरबॉक्स लगेगा। दो कप होल्डर्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस, अम्ब्रेस वम्ब्रेस नहीं आता बट ठीक है। चाबी में आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग आपको चाबी मिल जाती है। लॉक अनलॉक, और यहाँ से आप होल्ड करके रखेंगे बूट अनलॉक हो जाती है, दोनों सेम कीज़ है। इट लुक्स रियली वेरी गुड, ब्राउन टिंच के साथ है ये। यहाँ पे आपको मैनुअल एयरवेंस मिलते हैं, ठीक है इस सेगमेंट में यही होता है। और यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, ब्लूटूथ माइक के लिए प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपको टोल टिकट होल्डर है। फ्रंट के सीट्स भी डिसेंटली कंफर्टेबल, यहाँ पे आपको प्रॉपर डेड पेडल भी मिल जाती है। और ये इसका स्टेयरिंग लेदर है, आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, फ्लैट बॉटम वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे ऑडियो के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड भी आप यहाँ से दे सकते हैं डायरेक्ट, और इससे आपको MID कंट्रोल करनी है, और क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। मैनुअल वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और स्टेयरिंग को आप सिर्फ टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर टेलीस्कोपिक विच इज़ एक्सपेक्टेड। फुल एनालॉग सिस्टम मिलता है, इसके फॉन्ट्स को भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर दिया गया पहले से, सो इट लुक्स रियली मॉडर्न एंड फ्रेश। यहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे फ्यूल लेवल, बीच में आपको एक MID मिलती है, और MID को आपको यहाँ से कंट्रोल करना है। फ्यूल इकोनॉमी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो, डिजिटली स्पीड डिस्प्ले होता है, उसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। डोर्स पे जाएंगे सो ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स पे जाते हैं तो इल्यूमिनेशन, वन टच टर्न इंडिकेटर, एम्बियंट लाइट जो है मैंने दिखा, फुटवेल लाइटिंग, उसके ब्राइटनेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। हेडलाइट टाइम आउट वो सब है, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, वो सब आप देख सकते हैं खुद जाके। सो सेफ्टी की बात करें, यहाँ पे आपको ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ESC, हिल होल्ड, 6 एयरबैग्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। सो ओवरऑल सेफ्टी के मामले में फीचर्स में कोई कमी नहीं है, बस हुंडई को अपने बॉडी शीट मेटल पे थोड़ा बहुत काम करना होगा, उसके बाद ये कार बहुत अच्छी हो जाएगी। और माइलेज की थोड़ी कमी है एक्चुअली इस कार में, शहर में आप इससे 11 से 12 और हाईवेज पे 14 से 15 मिल जाएगा, जो स्विफ्ट में आपको ऑलमोस्ट वो 20 टच कर देती है। इसमें आपको माइलेज जरूर कम मिलेगी, वो आपको जान के रखना है, बट कार इज ओवरऑल वेरी गुड। फीचर्स कहे, कंफर्ट कहे, सेफ्टी फीचर्स कहे, वो भी बहुत अच्छी है। सो या मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।